सो जीरोधा से एसआईपी कैसे चालू करें? बहुत लोगों को स्टॉक की एसआईपी चालू करनी होती है कि यार अगर जैसे टीसीएस में आपका बिलीफ है तो आपको लगता है यार टीसीएस या फिर दो तीन और स्टॉक है, टीसीएस है, रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, ये तीन स्टॉक मैं हर महीने एक एक खरीदता रहूँ, एक एक खरीदता रहूँ, एक एक खरीदता रहूँ, आपको ऐसा लगता है। तो आप सोचते हो यार ये इनका मैं कोई बास्केट वास्केट ऐसा बना सकता हूँ क्योंकि तीनों स्टॉक ऑटोमेटिकली खरीद जाए हर महीने। तो उस केस में आप एसआईपी चालू कर सकते हो जीरोधा से, या फिर दूसरा होता है कि म्यूचुअल फंड की एसआईपी चालू करनी है जीरोधा से, तो मैं दोनों इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये बास्केट वाला पार्ट देख लेते हैं जहां पे आप स्टॉक का कलेक्शन चाहते हो कि हर 5 तारीख को ये तीनों स्टॉक एक एक खरीदे जाएं ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से। तो मैं इस पर दिखाने वाला हूं, क्या नाम है, लैपटॉप पे आप सेम चीज मोबाइल से भी कर सकते हो। सो ये मैं जीरोधा वाले ऐप पे मैंने लॉगिन किया हुआ है, इसमें आप यहाँ पे ऑर्डर जीटीटी और ये सब देख रहे हो। मैंने अभी यहाँ पे एक इसको मैं एक काम करता हूँ। अब सबसे पहले आपको एक बास्केट बनाना पड़ेगा। आप समझो कि एक एक, एक कलेक्शन चाहते हो आप कि कौन कौन से स्टॉक आप खरीदना चाहते हो, एक कलेक्शन। सो इस बास्केट का नाम रख देते हैं हम लोग लार्ज कैप, है ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है इसके अंदर हम लोग रखेंगे। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या रखना है, टीसीएस डन, और टीसीएस का एक स्टॉक हम खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे मैं भर दूंगा एक स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए, याद मैंने लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, मार्केट के भाव पर, जो भी चलता रहेगा भाव उसी समय खरीद लेना, लिमिट नहीं। लिमिट आप करोगे तो आप खुद भाव दोगे कि इतने पे मुझे खरीदना है, तो भाई अगर वहां आया ही नहीं तो नहीं मिलेगा, तो मार्केट पे हमें खरीदना है, ठीक है। और इसको ऐड कर दिया, तो टीसीएस ऐड हो गया, ओके। अब एक और ऐड कर लेते हैं, रिलायंस मान लो, हाँ रिलायंस, और ये भी मार्केट के भाव पे एक 2500 का 2600 का भी चल रहा है, ओके ऐड। टीसीएस के बाद एक और एचडीएफसी ऐड कर लेते हैं, एचडीएफसी बैंक, हाँ एचडीएफसी बैंक ऐड, तीनों हो गया डन। अब ये देखो इसमें सिर्फ एक बास्केट बन गया लार्ज कैप नाम से, तीन आइटम्स हैं इसमें, क्लिक करके एडिट भी करोगे तो यहां पे दिखाई देगा टीसीएस रिलायंस एचडीएफसी, तीनों का एक एक क्वांटिटी खरीदना है बस। अब इसका देखो यहां पे टोटल भी बता रहा है, ये रहा ना 7,500 रुपया लगेगा, तो यानी कि लगभग लगभग आपका 7,500 का एक एसआईपी हो गया। अच्छा, अगले महीने हो सकता है कम भी लगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा भी लगे। अब अगर मान लो टीसीएस ऊपर भाग गया तो ज़्यादा लगेगा, तो उस हिसाब से आपको बैलेंस अपने में मेंटेन रखना पड़ेगा। ये बास्केट को मैं चाहता हूँ हर महीने एग्जीक्यूट होता रहे, ये तीनों के एक एक स्टॉक मेरे खरीदते रहे। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है एसआईपी, एसआईपी में गया मैं, और मैं यहाँ पे एक मैंने ऑलरेडी एसआईपी बना रखी है, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, हाँ अब ये ब्लैंक हो गया, क्रिएट न्यू एसआईपी। अब ये एसआईपी में मैं इसका एसआईपी का नाम देता हूँ लार्ज कैप एसआईपी, ठीक है। और ये यहाँ पे बास्केट आपको सारे दिख रहे हैं, तो मैंने अभी एक लार्ज कैप स्टॉक्स बनाया था ना, तो ये वाला मैं क्लिक कर देता हूँ कि भाई ये तुम एग्जीक्यूट करना। कब एग्जीक्यूट करना, 10th को, हर मंथ के 10 तारीख को सुबह 10 बजे एग्जीक्यूट कर देना, बस बाय कर लेना, हो गया और कुछ नहीं करना। और क्रिएट, अब ये देखो हर 10 तारीख को ये एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तो ये हो गया स्टॉक की एसआईपी, याद रखना ये स्टॉक की एसआईपी है, डन। तो अभी मैं ये डिलीट कर देता हूं क्योंकि मेरा कोई ऐसा स्टॉक का एसआईपी है नहीं, ठीक है, ये भी डिलीट कर दिया, बास्केट भी मैं डिलीट कर देता हूं। तो अब आपने सीख लिया कि अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट है तो जीरोधा की ही वेबसाइट काइट, उस पे जाकर के आप ये क्रिएट कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड बाय करना है जीरोधा से ही, तो फिर क्या करना है, तो जीरोधा का ही ऐप है कॉइन, तो मैं कॉइन में भी लॉगिन करता हूं। आप ऐप से भी कर सकते हो सेम चीज, coin.zerodha.com आप यहां पे देख सकते हो, ये भी जीरोधा का ही प्रोडक्ट है। जैसे गूगल है ना, गूगल का गूगल मैप है, जीमेल भी है, गूगल का प्ले स्टोर भी है, वैसे ही जीरोधा पेरेंट कंपनी, उसके अंदर कॉइन है म्यूचुअल फंड के लिए, काइट है स्टॉक्स के लिए। सो ये मैं आ गया म्यूचुअल फंड में, ये देखो डैशबोर्ड में म्यूचुअल फंड्स, अब गए आप यहाँ पे, अब ये म्यूचुअल फंड में जैसे मेरे कुछ यहाँ पे पुराने फंड्स पड़े हुए हैं, है ना। सो यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड ढूंढना, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ कौन सा लेते हैं, एक्सिस ब्लू चिप फंड, ठीक है, मान लो ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है। अब ये फंड लेना है तो ये देखो यहाँ पे बाय एंड एसआईपी, बाय का मतलब लमसम बाय है, एसआईपी का मतलब एसआईपी। अब ये एसआईपी में एएमसी एसआईपी नहीं सिलेक्ट करो, कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जैसे आज मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट करूँगा ना, 500-1000 रुपये जो भी करना है वो कर दूँ, लेकिन इंस्टॉलमेंट अमाउंट मेरा क्या होगा, तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट 1000 रुपये का मैं करना चाहता हूँ, थोड़ा अच्छा अमाउंट रखते हैं, 5000 रखते हैं, जब डेमो में भी कम क्यों रखना, 5000 का रखना चाहता हूँ, और इनिशियल अमाउंट चाहता हूँ 5000 इन्वेस्ट हो जाए मेरा। तो चलो ये हो गया, अब
ये फ्रीक्वेंसी जो इन्वेस्टमेंट की होगी मंथली, 15 डेज, वीकली, जैसा भी आप रखना चाहो रख सकते हो, मंथली कर लेते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हर 15 तारीख को ये हो डन। और ऑटोमेटिक स्टेप अप, मतलब हर 6 महीने हम सोचते हैं ना कि हमारा 500 रुपये से बढ़ जाए, तो अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि हर 6 महीने में या हर 1 साल में ये मेरा 10% 5% से मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ ऑटो स्टेप अप नहीं चाहता, तो मैं उसको साइड रख देता हूँ। अभी देखो बस इतना ही करना था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, और मंथ की कौन से तारीख को आप चाहते हो आपका डिडक्ट होता रहे। तो क्रिएट SIP किया, अभी देखो कन्फर्म करूँगा और तुरंत मेरा एक SIP कन्फर्म किया। ये देखो SIP बन गई मेरा। अब ये बोल रहा है पे नाउ, पे नाउ पे जाऊँगा तो ये जो मैंने अकाउंट मेरा कनेक्टेड है वहाँ पे ये मुझे पे करने बोलेगा। फिलहाल पे नहीं कर रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे ये प्रोसेसिंग वाले केस में आ गया है। अब इसको ऐसा करते हैं डिलीट, मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये सिखाने के लिए मैंने आपको बताया, ये जो आपके SIPs हैं आप ऐसे ही चालू कर सकते हो अपने जो भी म्यूचुअल फंड में चालू करना चाहते हो, और इन्वेस्टमेंट को अपने स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, एक प्रॉब्लम है ज़ीरोधा में, मैं ये बता दूँ, कुछ समय पहले तक आई थिंक जनवरी मार्च तक इनका SIP बहुत अच्छा चलता था, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डिटेक्ट भी कर लेता था पैसा। लेकिन अब क्या हो गया है, RBI ने रूल लाया है, स्पेसिफिकली डिस्काउंट ब्रोकर्स को ये प्रॉब्लम हो रही है, उसमें से ज़ीरोधा एक है, कि ये डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कट कर सकते। तो ये क्या आता है, आपको सिर्फ नोटिफिकेशन आता है कि 10 तारीख को भाई आपका आज SIP है, तो आप मैन्युअली जा करके क्लिक करके पैसा पे करिए। फिलहाल ऐसा हो रहा है, तो जिसकी वजह से मेरी भी SIP थोड़ा हिल गई है, और जिनको भी मैंने रिकमेंड भी किया था कि ज़ीरोधा के थ्रू करो, उनका भी फिलहाल ये हो रहा है। पिछले 4-5 महीने से थोड़ा सा मैनुअल करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने गूगल कैलेंडर का इनवाइट लगा रखा है, उस तरह उस दिन हमें नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर हम जा करके मैनुअली इसको पे कर देते हैं। सो आई होप इसे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, किस तरीके से आपको स्टॉक का SIP चालू करना है और किस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड का SIP चालू करना है, लेकिन ज़ीरोधा के थ्रू। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली ज़ीरोधा का एग्जांपल दिया, मिलता जुलता एग्जांपल अदर भी ऐप्स का या प्लेटफॉर्म्स का होगा, बट ये एग्जांपल ज़ीरोधा का था। उम्मीद है आपको इसे कुछ सीखने मिला होगा। सो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस हैं, कुछ थॉट प्रोसेस है, कुछ पॉइंट है, प्लीज़ डू कमेंट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।